तो गाइस अभी ब्रेक का इशू हो रहा है यार, आई डोंट नो। तो गाइस फाइनली हम रेडी हो चुके हैं जाने के लिए। तो आपने पिछले वक्त में देखा था वसुमे से आया हुआ, तो वसुमे से मैं फिमो गाड़ी से एसेंस क्लिनर विलेज से यहाँ तक ही आया। तो चेकआउट गाइस, आगे सीधा जाना है शिलोंग और हमको निकलना है यहाँ से बाईपास होके गुवाहाटी के लिए। तो निकलते गुवाहाटी के लिए अभी गाइस, सीधा शिलोंग के लिए होता है। हमको जाना है यहाँ से, साइकिल बनानेंगे हम गुवाहाटी में, क्योंकि कल इलेक्शन होगा तो मैं फंस जाऊँगा, इसका वजह से हमको निकलना पड़ेगा सीधा। तो गाइस अभी ब्रेक का इशू हो रहा है यार, आई डोंट नो। तो देखते हैं। के भएको छ? खटा खटा गरेको छैन नि? ल ल हजुर, नागाल्यान्डबाट आएको अब नागाल्यान्ड हिँडेको एक्लै आएको, उहाँ आएको थियो कि एसेन्स क्लिनर्स भिलेजमा गएको थियो, त्यहाँदेखि फर्केको। गएर के भन्नु एक्सपिरियन्स त अब हालत बनाइदिए मजाले। आजको आज किन नि, भोलि बन उयो इलेक्सनको केही हुन सक्दैन नि, त्यस कारणले फटाफट निस्क्यौँ भनेको। फेरि ब्रेक कहिले के हुन्छ कहिले के हुन्छ, स्कुटी बाइकले त बनाउनु सक्दैन होला यसको त। त्यही त माथि बिच जानुपर्छ। जो ब्रेक होइन, ब्रेक त यसको वजह चाहिँ मैले उहाँ उठाने त मैले, यही प्रब्लम हो रहा होइन। तो आज इलेक्सन है, यसको वजह चाहिँ जल्द से जल्द निकाल्न दिने मेरो को यहाँ से। गाइस बडा पानी यार, सोलिड है गाइस। 10 ईयर्स का बात हो, 10 ईयर्स से पहले मैं वहाँ से घूमते हुए वो जो है वहाँ पर गया था गाइस। तो वहाँ से बोटिंग होके जाके वहाँ पर एक गेस्ट हाउस जैसा है, वहाँ पर आपको जूम कर देता हूँ, तो आपको दिखाई दे रहा है वो अलग से घर। तो वो एक गेस्ट हाउस है, उधर रहे कहा था पे। तो 10 साल से पहले गाइस निकलते, टाइम इतना नहीं है, अभी बच चुका है 12 बजने के लिए 5 मिनट सिर्फ है, और मेरे को गुवाहाटी पहुँचना है। कम से कम 95 किलोमीटर कवर करना है। अभी रीजन आ रहा है, अभी कहाँ तक चले गया? आज गुवाहाटी तक जाएगा, गुवाहाटी में हॉल करेंगे, उसका साइकिल से, उसके बाद फिर अलग से जाएगा। थैंक यू। मैं महाराष्ट्र से हूँ। महाराष्ट्र से? हाँ। या और कहाँ जगह है अभी? हम अभी इधर जा रहे हैं शिलोंग वगैरह। अच्छा, शिलोंग डाउकी आपका हो गया उधर से? हाँ, वहाँ मैं तो वहाँ गया था, एसेंस क्लिनर्स विलेज है ना। हाँ हाँ, वहाँ गया। अच्छा ओके, वहाँ से भी सीधा इधर आ गया। ओके, तो आपका यूट्यूब चैनल भी है? जी यही है, रोलेन थापा मेरा। बड़ा पानी, तो जो वो रास्ता जा रहा है वो एयरपोर्ट जाता है, आई थिंक मिजोरम भी जाता होगा शायद, एग्जैक्टली मालूम नहीं है मेरे को। तो यहाँ से गुवाहाटी है 73 किलोमीटर गाइस। तो अभी बज रहा है 12:35, सुबह से कुछ खाया नहीं यार। जो मॉर्निंग में एक ब्रदर ने चाय पिलाया था, बस वही पिया है। मेरे को जल्द से जल्द पहुँचना है, महेश को भी कॉल करना है,
कॉल करके बोलना है कि साइकिल सर्विसिंग का जगह ढूंढ के रखो बोल के। देखो गाइस खड़ी चढ़ाई। पूरा का पूरा चढ़ाए। गुवाहाटी में भी एक्चुअली मैं गुवाहाटी भी इतना दूर तो नहीं जाना चाहता हूँ। मैं भी अगर ISBT का उधर मिल, मैं जो महेश का घर पे था, अगर वहाँ साइड हो गया तो उधर साइड बना लूँगा, अगर नहीं हुआ तो मैं वो साइड नहीं जाऊँगा, क्योंकि इतना दूर अंदर जाना तो बहुत बड़ी बात है ना, इसलिए तो देखता हूँ उसको कॉल करके बोला है। इसको तो फ़ोन करके बोलाओ, देख लेना होगा कि नहीं होगा, अगर नहीं हुआ तो देखते हैं क्या होगा। गाइस फाइनली हम लोग खाना खाने रुके तो होटल का नाम है नागा फूड, जो आप लोग हाईवे के सामने जब आप बड़ा पानी क्रॉस होने के बाद आई थिंक 10-15 किलोमीटर पेट्रोल पंप का सामने रहेगा ये, तो नागा फूड है इधर, तो इधर आ लेना और आगे देखो कैसा क्या है और आप लोग को मैं बोलूँगा। सुबह से कुछ नहीं करना, इतना भूख लगे ना सच में गैस मत बोलो। सो खाता हूँ और फिर मिलता हूँ। सो गैस ये उमरान डायरी का जगह में पेट्रोल पंप का ऑपोजिट में है, तो फिर आपको ये बड़ा पानी से आपको 15 किलोमीटर में भी 15 किलोमीटर होगा यहाँ पर पहुँचने के लिए, तो पेट्रोल पंप ऑपोजिट में अपना नागा फूड होटल है, तो आके विजिट कर लेंगे। तो गैस इस तरह से राइस ये रहा अपना, पोक दाल वेज और आई थिंक ये मच्छा होगा, ये रंबा होगा, चटनी है यहाँ पर भी नीचे, प्याज और बॉयल सब्जी, बहुत सारा आइटम है गैस, बोलना जरूरत नहीं है, मिठाई पता लग गया आपके पोके खा लेना। दाम है इसका 180 वन प्लेट का खाली बोटा इसका। चलो गैस रगड़ते। खाना इतना मस्त था ना गैस, बहुत बढ़िया खाना था यार सच में, तो आप लोग आपके पक्का विजिट कर लेना और एक बार देख लेना लोकेशन इस तरह से, ठीक है। एक शॉप इधर है, पेट्रोल पम्प इधर ही है, तो आके खा लेना। दीदी भी जो यहाँ का ओनर है दीदी, वो भी नागालैंड से लोथा है, तो इसलिए मच्छिया बना हुआ। चलो मिलते आगे जाके। बस चेकआउट जो ये है ना मेघालय में सब ये पिकल बोलते, पिकल्स मिलता है मिर्चा से लेके बम्बू सूप, ये रहा बम्बू सूप का और ये विथ चिल्ली और कुछ आमला का होगा शायद वो होगा, एंड आई थिंक दिस इज ये क्या कहे अदरक, सो गैस ये अदरक का अचार है, तो यहाँ पर पूरा वेराइटी का अचार आपको मिलेगा गैस। अभी हम नंगफा पहुँचे, जो लास्ट टाइम साइकिल रिपेयरिंग करेंगे बोला था, साइकिल सर्विसिंग करेंगे बोल के, तो वही जगह में पहुँचा है। आई होप वो तो आया नहीं होगा, आज 3 दिन हो गया सर्विसिंग वाला, आने से तो थोड़ा ठीक था, ब्रेक भी बना लेना था। तो चेकआउट गाइस ऐसा है यहाँ का नंगफा, ये नंगफा डिस्ट्रिक्ट है गाइस मेघालय का। सो
जब मैं लास्ट टाइम आ रहा था ना, लास्ट ब्लॉग में हम देखा शिलोंग आते समय, वो रास्ता से होके देखा जा रहेगा इस गाड़ी आया हुआ, वहाँ से होके ऐसा करके आएगा। इतना दूर है ये, हो गया वो करके ऐसा करके पूरा डाउन है। जितना टाइम लगा ना ऊपर जाते समय, आते समय मेरे को बहुत जल्दी, देखो यार बहुत जल्दी कवर हो रहा है, क्योंकि पूरा का पूरा डाउन है ना गैस। देखो ट्रक का धुआं निकल रहा है, सोचो यार मैं आते समय क्या हुआ होगा, हालत ऐसा हो गया आ रहा है। यहाँ से मेघालय का टूल प्लाजा 1 किलोमीटर। देखो यार कितना डाउन है, देखो बस तो गट जो कहाँ से आ रहा है, टी शर्ट में भी चल रहा, थक गया रे अभी तो सच में। हम लोग ने मेघालय का टूल टैक्स पार कर दिया, अब यहाँ से थोड़ा बहुत डाउन है, जहाँ पर मेरा ये गेट टूटा था ना वो जगह में, तो मिलते हैं आगे गाइस। अब यहाँ से ये शायद आसम पड़ जाएगा और ये लाइन मेघालय, तो हम ब्रिज में पहुँच चुके हैं अभी गाइस। गाइस जोरापट आ चुका है, बहुत इधर है, क्या करूँ हो रहा है, हम लोग को मेरा राइट साइड से जाना पड़ेगा नागालैंड के लिए। मैं अभी आइस ब्यूटी में जाऊँगा, वो महेश भाई का में, तो उसका उन लोग का रास्ता कहाँ दे रहे कहीं यही बोला साइकिल का सर्विसिंग, तो आई होप उधर मिल जाए सर्विसिंग ना। मिलने से शेयर गैस एक शॉप भी नहीं मिल रहा, जो मिल रहा है, अरे यार कितना ऑरन मार रहा है, जो मिल रहा है उसको आ नहीं रहा है बनाने के लिए, अरे यार इतना शोर शराबा। जो जगह से आया था ना वहां से इधर आके तो ना ऐसा क्राउडी लग रहा है ना, मत पूछो यार क्राउडी प्लेस लग रहा है अभी मेरे को। Excuse me, it's closed? Closed? No, door closed, door open this way. So, cycles ko kaun se? Ab log mein circle ka servicing ho jata hai? Cycle ka servicing nahi ho jata hai. Idhar nahi hota hai? Nahi hota hai. Kya, 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 kya? Ek bar, dekh jiye na, ek bar, mera yo gear toot gaya hua na, gear shifting ka. Actually, Shillong se aate samay kya hua? Kutta phat aa gaya. To down hai. ब्रेक मारने के बाद गिर गया, तो हैंडल तो पूरा टेढ़ा होके वो जो शिफ्टिंग का होता है वो हाफ निकला हुआ है, शिफ्टिंग तो होता है मगर इतना अच्छा से ना पहले जैसा स्मूथनेस नहीं हो रहा। कैसा दिखाई देता जी? एक्चुअली मैं निकला हुआ तो बहुत दिन हो गया नागालैंड से आया हूँ मैं, खास नागालैंड से आके फिर शिलोंग में जाके एसेंस क्लिनिक विलेज जाके वापस आ रहा था। ये यहाँ पे सर्विसिंग नहीं होगा अभी फिलहाल, ये पूरा चेंज करना पड़ेगा, वही तो है पूरा चेंज करना पड़ेगा। ये नहीं नहीं ये केबल केबल ही चेंज होता है ना, अभी तो नहीं होगा। कहाँ पर है ये एक्चुअली, ये साइकिल्स का है, सुबह मिल जाएगा अभी तो नहीं मिलेगा। कौन सा लोकेशन में? इसी लोकेशन में एक बंदे को पता है, वो जाके शायद
आप कितना दिन रहेंगे? मैं कब कल के लिए तो अब रहना पड़ेगा इसके लिए, तो इसके बिना तो होटल में नहीं, नहीं इधर मेरा दोस्त का घर है, उधर जा रहा हूँ मैं, आईएसबीटी का सामने। कितना दूर है आईएसबीटी? और जाना पड़ेगा, तीन किलोमीटर चार किलोमीटर है। तीन चार किलोमीटर गैस शिफ्टिंग की वजह से बहुत दिक्कत हो गई। अब अभी फिर कहाँ जा रहा है? अभी यहाँ से भी वापस जा रहा हूँ अभी मैं नागालैंड। नागालैंड से आप साइकिल? कितना दिन हो गया आपको? अभी 6, 7, 8 आज मिला के 9 दिन। 9 दिन? 9 दिन मतलब ऐसे साइकिल ही चला? साइकिल ही चला रहा हूँ। कितना घंटा साइकिल चलाते हैं? सुबह 7 बजे से लेके शाम को 4-5 ऐसे। अब जब जहाँ पर लोकेशन मिलेगा उधर खाना खाने के लिए रुकते हैं। हाँ अच्छा अच्छा। नागालैंड पूरा शिलोंग शिलोंग हो तो चल 9 दिन साइकिल चलाए। गियर चेंज तो हो रहा है मगर एक स्मूथ है ना, 2 में कभी कभार 1 में डालने से भी क्या हो जाता है, खराक 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 फंस गया। हाँ तो ये इसका वजह से ना, ये कुत्ता का चक्कर में हुआ ना, 40 ना 50 के स्पीड में था साइकिल डाउन में। अच्छा अच्छा। तो अचानक उसको ब्रेक मारा तो अब लोड है इतना तो ग्रॉन्ग करके गिरे, ये हैंडल तो पूरा घूम गया ना, उसका वजह से इसमें लोड पड़ गया, टूटी गया वो मेरे को लग रहा है। मतलब टूट गया ये, एक्चुअली चेंज करना पड़ेगा। स्वेटर मतलब।